हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बता दें कि इस समय आए हुए हैं i20 अपने कार में, फेस ट्यूब लगवाएंगे। आप देख सकते हैं वायरिंग का काम हो रहा है। पहले वायरिंग होगी पूरी फेस ट्यूब की, उसके बाद चेक होगा, फिर ट्यूनिंग होगा, तो कई प्रोसेस है। It's hard for me to let go, but I think that I'm finally free. डिश ट्यूब की वायरिंग कुछ इस तरह से होती है, कपलर टू कपलर। कपलर भी रहता है ना इसमें? हाँ हाँ, ये पूरा ये कपलर दिया हुआ ना। हाँ, जाएगा इसमें, उससे कनेक्टर जुड़ जाएगा। इसमें अच्छी बात ये होती है कि कार तार कटिंग का दिक्कत नहीं होता, और काफ़ी दिन से सोचे थे बेस ट्यूब लगवाने को गाइस, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्लस मूड नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज फाइनली मूड बना लिए हैं कि आए हुए थे काम से करके, तो फाइनली दिखा मुझे तो साउंड सुने अच्छा लगा। अभी ट्यूनिंग कराएंगे तो NCS सॉन्ग पे आप लोगों को भी चेक करा देंगे। तब तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए अभी ब्लॉग को। तो i20 का जो ओरिजिनल स्टॉक साउंड है, जो इसका सिस्टम का 2D ऑडियो का, वो ही ज़बरदस्त है, क्योंकि 4 स्पीकर इसमें आते हैं, एक बेस भी बीच में सेंटर में सबवूफर आता है जो कि Hyundai की तरफ से होता है, और 4 स्पीकर होते हैं चारों डोर में, तो वही है, तो ज़रूरत तो नहीं रहती। लेकिन जो बेस ट्यूब का जो एक अलग से बाहर से जो सुनने में आता है, उसकी वजह से मैं एक बार ट्राई करना चाह रहा था। तो देखते हैं कैसा क्या रिस्पांस रहता है, और जल्द वायरिंग हो चुकी है, वायरिंग 10-15 मिनट का काम रहता है, हो चुकी है कपलर टू कपलर। बस बेस ट्यूब लग के ट्यूनिंग होगी, और जितना बेस मुझे चाहिए उतने पर वो एडजस्ट करके सेट कर देंगे। तो होने के बाद फिर एनसेस वॉक पर आप लोग को दिखाते हैं कुछ कैसा साउंड है, और फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा आउटपुट आ रहा है। देख सकते हैं 10 इंच का लगवा रहे हैं, 8 इंच का पहले था, लेकिन 10 इंच का है बेस ट्यूब। पहले मुझे लगा वायरिंग में टाइम लगेगी, लेकिन सारा प्रोसेस हो चुका है। बस ये मेन यूनिट हेड खुला है, इसमें कपलर टू कपलर इसकी वायरिंग हो रही है, बेस ट्यूब लग चुका है, वायरिंग हो चुकी है, बस हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं साउंड चेक होगा, उसके बाद देखता हूँ कि कैसा इसका आउटपुट आता है। आप लोग भी बने, बेस ट्यूब लग चुका है कि सॉन्ग अच्छा, इससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना इसलिए। तो गाइस, होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फाड़ू साउंड निकल रहा है बेस ट्यूब का, बता दें कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड निकल रहा है। आप देख सकते हैं बीच मेरी यहीं पे खड़ी होती, तो बता दूँ कि मैं साउंड इसलिए नहीं सुना पाया, कॉपी राइट का इशू था, चूँकि कॉपी राइट आ जाएगा, इसलिए जिन भाइयों को साउंड उसका ओरिजिनल आउटपुट सुनना है, तो मेरा यहाँ पर लिंक आ रहा है, उसका नेम आ रहा है इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो कर लें आप लोग। वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे रील भी डाल दूँगा, और स्टोरी पे भी लगा दूँगा, तो आप लोग देख सकते हो कि ओरिजिनल कैसा साउंड इसका आउटपुट आ रहा है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, अभी ब्लॉग्स को। हैप्पी शिवरात्रि ऑल गाइस, तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ डे।